कितना हैंडसम लग रहा है। ओए होए ओला। मैं शिवाय का दादा हूँ और मेरी तमन्ना यह है कि ये बच्चा तो अपने सारे खानदान के अंदर क्या हुआ? नाम रोशन करे। क्या हुआ? गाय का नाम हमने रखा ही महादेव के ऊपर था क्योंकि बिल्कुल उनकी तरह ही भोला पर हस्बैंड आ रही है। बाबिया बिबिया बिबिया हाय गाइस वेलकम टू नमितोलॉजी। आज शिवाय का बर्थडे और पीछे जे जबरदस्ती कंटिन्यूअसली इरिटेट कर रहा है। पापा या क्या पापा या बोल आगे तो बोल क्या चाहिए बोल ना बोले भैया की स्किल्स कर दूं। अब देखा चुप हो गया एकदम और ये देखो बर्थडे बॉय आज सुस्तड़ हालत में सबसे ज्यादा तंग कर रहा है आज और इसने आज कपड़े पहने स्कूल के अंदर अलाउड है। आज ये कैजुअल डे क्योंकि आज इसका बर्थडे है। ये इसके टीचर्स को जा रही है चॉकलेट्स और ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्कूल के अंदर एक सिंपल फॉर्मूला है 50 रुपए से ऊपर का गिफ्ट नहीं दे सकते। हाँ मेरी तबीयत मन्नी की तबीयत बहुत खराब है। मन्नी को हुआ हुआ है वायरल थोड़ा सा बुखार है फीवरिश है बॉडी टूट रही है और चक्कर आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने। चलो भैया चलो जल्दी जल्दी चलो चले चलो पापा क्या अरे न्यूज़पेपर फाड़ दिया इसने जोई ने आज का न्यूज़पेपर आया था। चलो जोई अंदर चले चल बाहर हांजी बताओ गुड मॉर्निंग कर दिया सबको आपने क्या होगा मन्नी बहुत तबीयत खराब है क्या? स्कूल जाने की पूरी पूरी तैयारी है ना है ना यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है और उस बंदे को ये भी नहीं पता कि गैस कहाँ से ऑन होती है। खाना तो तुम क्या ही दोगे कहाँ से करोगे गैस? छह होती है। हाँ हाँ 6 चम्मच डालो 6 के करीब मतलब 5 साढ़े 5 भर के डालो। खत्म नहीं हुई ना ढंग से देखो तुम्हें कुछ नहीं पता यार घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। हद हो गई चलाओ गैस चलाओ देखूं मैं भी कितनी आती है तुम्हें। ऑन किया पीछे से कहाँ से पीछे से वहां से ऑन होती है। हाँ मुझे नहीं पता ना तुम ऑफ करते हो बेसिक नियम है ना रात को ऑफ करके सोते हो गैस। गैस भी नहीं आती चलाने थोड़ा सीखना चाहिए राहुल पता है अपने ही काम आता है जरूरी नहीं हर वक्त वाइफ ही हमेशा सही हो तबीयत से तो तुम्हें भी करना पड़ सकता है ना। अब दोगे नहीं जवाब। सो गाइस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज शिवाय का बर्थडे है तो अभी शाम का टाइम हो रहा है हम जा रहे हैं शिवाय को लेके अपने घर के पास वाले वैष्णो माता के मंदिर और मंदिर जाना जरूरी होता है बर्थडे और स्पेशल ओकेजन पे ताकि आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर पाओ कि भगवान ने आपको एक अच्छी लाइफ दी है सब कुछ दिया है तो एक शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है। और ये वाला मंदिर राहुल का फेवरेट है यहाँ जाके राहुल को बहुत सुकून मिलता है। और जब शिवाय 40 दिन का हुआ था और पहली बार इसको किसी धार्मिक जगह पे लेके जाना था तब हम लोग इसको इसी मंदिर लाए थे। जे को हम इस मंदिर नहीं लेके आ पाए थे क्योंकि तब कोविड टाइम्स में मंदिर बंद थे तो हम लोग जे को लेकर गए थे नानक प्याऊ साहब जी के गुरुद्वारे। तो यहाँ नन्हे मुन्ने शिवाय को लेके आए हैं मत्था टिकाने के लिए मंदिर। यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं चढ़ाने के लिए टोकरा तो थैंक यू। तो ये हमें टोकरा खरीदा है चढ़ाने के लिए चलो आओ। मंदिर में सारे भगवान जी मिलेंगे माता का मंदिर है वैसे लेकिन यहाँ पे भोले बाबा का भी साइड में एक अलग मंदिर बनाया हुआ है और आप देख सकते हो बड़ी अच्छी मूर्ति भी है यहाँ पे महादेव की। और शिवाय का नाम हमने रखा है महादेव के ऊपर था क्योंकि बिल्कुल उनकी तरह ही भोला पर हस्बैंड आ रही है। तो कोई आया नहीं तो मन्नी ने कहा मैं खुद ही रख देती हूँ 55 नंबर है हमारा और अभी मंदिर का द्वार खुलने वाला है। 4:30 गर्मी सर्दियों लेट खुलता जल्दी बंद होता है। शिवया चल हाँ जय जी करना हैंड ड्राइंग करना। जय माता दी जय हनुमान जी ओम नमः।
क्या हुआ? तो यहाँ पे पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया है, टोकरी में वापस दे दिया है, टोकरी का सामान चढ़ाकर। तो यहाँ मन्नी लेके आई है हैप्पी बर्थडे का एच। एच नहीं पूरा लाई हूँ, लेकिन अभी एक एक करके गुजर गए, ये ऐसा सब काम होते ही नहीं है। बर्थडे तो पूरा बन गया, हैप्पी भी पूरा बन गया, बस हैप्पी भी पूरा बन गया, बस इसमें डाल के लटकाना है। और यहाँ आ गए हैं दादा दादी, विश करो शिवाय को। हैप्पी बर्थडे शिवाय, हैप्पी बर्थडे शिवाय। ध्यान से, मेरा पेंट नहीं उखड़ना चाहिए, इतना सा उखड़ भी गया तो क्या होगा? नहीं कुछ नहीं उखड़ा, नीचे नीचे उसके नीचे। ओए निकल गया सारा ही निकल गया। दोबारा से बना। एसी का मैंने बोल दिया, उसने फ़ोन नहीं उठाया अभी। और यहाँ मम्मी पापा का एसी ख़राब हो गया है घर का, और आज गर्मी ज़्यादा है। आज इधर सो जाओ नीचे, यहीं सोएंगे, यहीं सोओगे। ओके गांठ मार दो ताकि निकले ना। क्या मार दो? गांठ। गाइस अब मैं आपको शिवाय की पूरी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ एक एक करके। वो लोग शिवाय के बर्थडे के लिए अपना एक विश और मैसेज छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शिवाय की दादी हूँ, मेरी ये विश है कि अगले साल तक बच्चा फ्लुएंटली बोलता हो, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है, खुश रहे हमेशा। दादाजी आप बताइए। मैं शिवाय का दादा हूँ, और मेरी तमन्ना ये है कि ये बच्चा तो अपने सारे खानदान के अंदर को क्या हुआ? नाम रोशन करें। क्या हुआ? और यार दादू इमोशनल हो गए। बोलो बोलो बोलो। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे सारे खानदान में सबसे ऊपर टॉप पर रहे। कैंचियां लेके बिजी है। सारे रो पड़े हैं थोड़े थोड़े, है ना? मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, है ना? चलो फिर। और हम सब चाहते हैं कि शिवाय हमेशा खुश रहे और एक ब्राइट चाइल्ड निकले, है ना पापा जी? निकले कि अब ना सर्वाइवल इंडिपेंडेंटली कर ले। हाँ, है ना? है ना बोलते है ना? है ना? अब सिर्फ वेट हो रही है नाना नानी की, नाना नानी आने वाले हैं। नौमी दीदी शिकु नहीं, नौमी दीदी को भी लो मैसेज। क्यों रो रही हो? किसी की याद आ रही है क्या? फिर क्या हुआ नौमी दीदी? बोलो क्या हुआ? क्या है शिवाय के लिए रो रही हो? हाँ अरे तुम हो ना शिवाय के साथ, फिर क्यों रो रही हो? अरे रो मत, रो मत, तुम हो ना उसकी बड़ी दीदी हो ना। नौमी दीदी रो रही है। चलो अब शिवाय के लिए अच्छी अच्छी बातें करो कि आपको क्या चाहिए शिवाय कैसा बने। अच्छा जी बोलने सके हो ना, आप दोगे ना उसका साथ, फिर वो बोल पड़ेगा। ज्यादा मत सोचो, हंस के दिखाओ आज उसका बर्थडे। चलो सबको हंस के दिखाओ, स्माइल और सुंदर बनो। क्या बन के बैठे हो? चेंज करो कपड़े, चलो घूमने चले, शिवाय को पार्टी कराने चलते हैं। दीदी भी रो पड़ी। पापा के मैसेज ने सबको रुला दिया। Happy birthday to you. और यहाँ आ गए हैं नाना नानी। जेजू हो गया आते। जेजू, जेजू दीदी सुन रहे थे? जेजू बड़े भैया कहाँ हैं? Happy birthday party बोलो भैया को, बोलो इसकी ना पैंट चेंज करनी पड़ेगी नौमी दीदी, इसकी देखो गिर रही है नीचे। गाइस इसके साथ यही हो रहा है, कमर पतली हो रही है और पैंट वैसे लंबी छोटी हो रही है। गोगो काश नानी आपसे आ गई आज। आपको भी पापा जी मुबारकें। हां जी आपको भी पापा। हाय आपका केक पापा हैप्पी टू यू। नहीं नहीं हमारे नहीं, हमारे नहीं।
वाला गंदा बच्चा, रुक जा। नानू शिवाय के लिए मैसेज देना चाहोगे? बहुत बढ़िया बड़ा बने और अच्छा अच्छा बने, अच्छी पढ़ाई करे, सबसे आगे रहे, यही हमारी बेस्ट विशेज है। स्वस्थ रहे बस, हमें तो यही चाहिए, अपने बच्चों के लिए विरासत है ये तुम्हारी। नानी का मैसेज, वी आर वेरी प्राउड ऑफ शिवाय, मे गॉड ब्लेस हिम विद ऑल सक्सेस ही डिजर्व, नॉट ओनली डिजर्व, ही डिजर्व मोर देन ही शुड गेट। गॉड ब्लेस माई चाइल्ड, मेरे बच्चे को बहुत 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 आगे ले जाए, तरक्की करे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, फले फूले और बहुत ज़्यादा तरक्की करे। जेजू, बड़े भैया के लिए कुछ कहना है? बोलो बड़े भैया। हैप्पी बर्थडे। बड़े भैया का हैप्पी बर्थडे कुछ कहना है? अच्छा, बड़े भैया के लिए फिर आप डांस कर दो। बोलो भैया। ये रहा जे का मैसेज फॉर बड़े भैया। बड़े भैया किसी करो, कर दो किसी। बड़े भैया इज जस्ट एमिंग फॉर केक, उसको केक ही चाहिए, है ना जेजू? किसी कर दे बड़े भैया। दिदुया, दिदुया, दिदुया। अच्छा, बड़े भैया का नाम क्या है? टिप्पी। बोलो टिप्पी। टिप्पी कहाँ है? बड़े भैया भैया शिवाय की मम्मी के नाते मैं शिवाय को ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी जान, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में, और मेरी विरासत क्या, मेरा तो सुख चैन दिन रात आगे पीछे सिर्फ तू ही है, और बस ठीक हो जा, बोल पढ़, रोज बोल मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, मम्मा मेरे को ये ला के दो, वो ला के दो, दुनिया की सब खुशियाँ ला के दूंगी, बस एक बार अपने मुँह से बोल पढ़ यार, बोल जा प्लीज। आ गए बबजी, बाहर है जोई, हमने अलग किया हुआ, अभी जोई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना जोई, थोड़ी देर रुक जा। लेडी वाली यहाँ सारे सिमट के बैठे हुए हैं। सबसे पहले ना बबजी गया दादी के पास, बब्बे कम। तो यहाँ राहुल बना रहे बबजी और ओली को बर्थडे कैप, और क्योंकि शिवाय के भाई बहन है तो इनका पार्टी में होना जरूरी है। मैं बबजी कितना हैंडसम लग रहा है, कभी आपने देखा है क्रॉट वाइलर? ओए होए ओला, एक दूसरे का फाड़ना नहीं है, एक दूसरे का नहीं फाड़ना, फटाफट वो कर लो, केक काट लो, तो फाड़ देंगे। अब पहन रहे हैं बच्चे बाकी सब बच्चों ने उतार दी, कान के पीछे करो ना, जब भी तो टिकेगी। बब्सी ओला तू नहीं पहन रही, ये सबसे ओबीडियंट और अच्छा बच्चा है हमारे घर का। गुस्सा आ रही है, कोई नहीं पहन के रखो। नहीं खा रहा शिवाय, दादू को खिलाओ, ये लो दादू को खिलाओ, दादू को दे दो, दे दो पहले दादू का मुंह मत खिला, पहले दादू को दो, दादू को दो। अरे खुद ही खा गया, दादू के लिए भेजा था, लो पापा। अरे पहले अब सब सारे खा लो, नानू को है, थोड़ा सा खिला रही हूँ मैं, कुछ नहीं होता थोड़ा सा, ठीक है? लोग जज मत करना कि इसको शुगर खिलाए, ये खिलाए, वो खिलाए, उसके भाई का बर्थडे। तो इंसान भी सिगरेट और दारू पीते हैं ना, तो कभी चलते। अब लेडी ओली की बारी, ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा, देखो एंड तक इसने कैप लगाई हुई है, वैसे शिवाय ने भी लगाई। ओली और जेजू बदमाश है सबसे। कुछ नहीं होता, उसको जोई को भी थोड़ा सा दे दे। अब हमने कर लिया केक कटिंग की सेरेमनी, हम लोग चल रहे हैं पार्टी पे, मैं कर रही हूँ ड्रेस चेंज, और चलते हैं लेके जाते हैं आपको शिवाय का बर्थडे पार्टी, डिनर पार्टी। चलो पापे, चलो।
क्या स्कोर हो गया मम्मा? 161/5 दिनेश कार्तिक 8 खेल रहा है। आई एम पी मतलब ग्रीन में लिखा हुआ है IMP इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन लाइक राहुल कोहली। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना है ये IPL के स्कोर में बैट्समैन के नाम के आगे ग्रीन में IMP लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट। अरे इम्पोर्टेंट थोड़ी है। हो चुकी है रात, रात के बज रहे 10। हम लोगों ने फैमिली डिनर कंप्लीट कर लिया, दादा दादा नाना नानी। आज आप सब लोगों से मिले पूरी फैमिली के साथ, कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसके नान के दाद के दोनों कैसे लगे। और हमने एंड में आइसक्रीम खरीदी फैमिली डिनर के बाद, क्वालिटी वॉल की रेडी से। और आपके वॉर्म विशेस के लिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर शिवाय को आप लोगों की ब्लेसिंग जरूर लगेगी। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, हमें लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए